नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। अन्नपूर्णा क्षेत्र से बैग लूटकर भागे बदमाश को पुलिस ने उत्तराखंड के रुद्रपुर से गिरफ्तार किया है। बदमाश का एक साथी फिलहाल फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। खास बात यह है कि बदमाश उत्तराखंड से बाइक लेकर लूट के लिए निकले थे। पहले उन्होंने जयपुर में लूट की वारदात की, उसके बाद बदमाशों ने देवास में एक लूट की वारदात को अंजाम दिया, फिर इंदौर के अन्नपूर्णा क्षेत्र में लूट की वारदात कर फरार हो गए थे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी का नाम जाकिर हुसैन निवासी रुद्रपुर उत्तराखंड है। वो अपने एक साथी के साथ बाइक से लूट करने के लिए उत्तराखंड से निकला था। लगातार जयपुर व देवास में लूट करने के बाद इंदौर में लूट कर उत्तराखंड भाग गए थे। डीसीपी ऋषिकेश मीणा ने बदमाशों को पकड़ने के लिए करीब 300 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज देखे थे। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए 3 पुलिस की टीम बनाई थी, जिसके बाद पुलिस रुद्रपुर तक पहुँची और आरोपी जाकिर को गिरफ्तार किया। लूटे हुए बैग से जाकिर के हिस्से में एक मंगलसूत्र आया था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। जाकिर के साथी के पास झुमके व मोबाइल फ़ोन है, उसकी तलाश अभी की जा रही है। ये अन्नपूर्णा थाने पे 30 तारीख को एक बुजुर्ग महिला अपने घर के आसपास टहल रही थी, तभी 2 मोटरसाइकिल सवार आए और उनसे जो उनका बैग था, हैंडबैग, उसको छीन के ले गए। वृद्धा तत्काल हमारे थाने पे आई, उनको हमने पूरा सुना, FIR दर्ज की, तो पता चला कि जो उनका बैग था उसमें एक मंगलसूत्र, कान की झुमकी और एक मोबाइल उसमें था। इसमें तत्काल लूट की एक FIR दर्ज की और लगभग इसमें हमने 3 टीम हमने इसमें बनाई थी और लगभग 300 के आसपास CCTV फुटेज देखने के बाद हमें कुछ इसमें क्लू मिला और उन टेक्निकल एविडेंसेज और CCTV फुटेज के जो विजुअल्स थे उनको हम ट्रैक करते हुए इसमें जब पूरा ट्रैक बनाया तो इसमें जो गाड़ी है उसका नंबर हमें आइडेंटिफाई हुआ। गाड़ी उत्तराखंड की थी, उत्तराखंड में उस जब गाड़ी को हमने वहाँ से एक लोकल सहायता ली उसका, तो रुद्रपुर का होना इन लोगों का मालूम चला। वहाँ जाके जो दिया गया एड्रेस था उस पर वहाँ तस्दीक करी, मालूम किया तो पता चला कि वहाँ से 2 लड़के ये घटना करने के लिए निकले थे और ये इस महिला के साथ में लूट कारित की थी। और इनका एक फिक्स मॉडस ऑपरेंडी होता है कि ये एक ग्रुप में उत्तराखंड से निकलते हैं और अभी जब ये निकले थे तो जयपुर में इनके द्वारा घटना कारित करना इन्होंने कबूला है, देवास में इन्होंने घटना कारित करना कबूला है और उसके बाद में इन्होंने इंदौर में भी ये लूट की घटना की थी। अभी इसमें जो 2 आरोपी थे उनमें से एक को हमने गिरफ्तार कर लिया है उत्तराखंड से और उसके पास से जो उसके हिस्से में जो मंगलसूत्र आया था उसका वो हमारे अभी उससे जब्त हो गया है। दूसरे आरोपी के लिए टीम लगी हुई है और उम्मीद है उसको भी बहुत जल्दी वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लोकल पुलिस की इसमें बड़ी अच्छी हमारे वहाँ उत्तराखंड पुलिस की सराहनीय भूमिका रही थी और हमारे यहाँ से जो सब इंस्पेक्टर सौरभ कुशवा गए थे उन्होंने भी इसमें अच्छी मेहनत की। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।